हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। ये आज प्रेस क्लब पे मौजूद आशिकान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे मरकजी शूरा की क्यादत और कराची डिवीजन की क्यादत और अवाम अहले सुन्नत ठाटे मारते हुए यहां मौजूद है, ये इस बात का सबूत है कि तहरीक लब्बैक वाले न डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न बिकने वाले हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम ये समझते हो कि हम शेयरिंग करके स्टेट गोलियां बरसाकर शहादतें करवाकर हमारे हमारे कारकुनों को जख्मी करके तुम ये समझो कि हम पीछे हटेंगे। नहीं, ये तुम्हारी भूल है। इन्होंने अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी अली रहमा के हाथ पर मौत की बियत ली है और हुजूर के नामूस के लिए ली है, हुजूर के खत्मे नबूत के लिए ली है। हमारा निकलना भी हुजूर के लिए होता है, हमारा पीछे हटना भी हुजूर के लिए होता है। हम दीन के लिए, शाहरे इस्लाम के लिए, हुजूर के नामूस के लिए, हुजूर के खत्मे नबूत के लिए हर वक्त सुबह हो शाम हो सख्ती हो सर्दी हो गर्मी हो गोलियों की बरसात क्यों ना हो हम इंशाल्लाह सफ़े वल में हाजिर है। आज के ये दिन जुम्मतुल मुबारक की नमाज पढ़कर आशिकान मुस्तफ़ा मस्जिदों से निकले और अपने मंजिल मकसूद पर जमा होकर यहाँ तक पहुंचे, ये इस दिन हुकूमत को भी मीडिया वालों को भी ये दिखाना मकसूद है। इससे पहले भी हम अमन से रहे, अमन चाहते हैं, अमन वाले हैं, लेकिन खुदा ना हुजूर के आशिकों को मत छेड़ो, फिर तुम खुद पछताओगे। वमा अलैना इल्लल्लाह।